कोटा जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के 8 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले हैं। इसके तहत ही कोटा के जिलाध्यक्ष राम बाबू सोनी की जगह राकेश जैन को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि राकेश जैन ने विधिवत रूप से कोटा शहर भाजपा के जिलाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही पदभार ग्रहण करते हुए राकेश जैन ने कहा कि भाजपा ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया है, इसके लिए वह शीर्ष नेतृत्व और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आभारी हैं। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव की रणनीति के आगाज हुआ है और उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी का शहर जिला का मुझे अध्यक्ष दायित्व सौंपा गया है, उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे जन जन के लाडले और भारतीय जनता पार्टी कोटा पुलिस लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार परम सम्मान्य लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, मैं उसे सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर भरसक प्रयास मेरा रहेगा कि सभी लोग उसमें शामिल रहें और पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही जन जन के कल्याण की भावना रखी है, चाहे अभी वर्तमान गैस सिलेंडर का मसला हो, चाहे लोकसभा का मसला हो, चाहे आत्म कल्याण का मसला हो, चाहे आत्मनिर्भरता का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो। भारतीय जनता पार्टी जन जन के हर पहलू को छुआ है और इसलिए आज मोदी जी विश्व के सबसे बड़े सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं।